अब देखिए गर्मा गर्म बन के तैयार है आलू गोभी की सब्जी। और अगर आपको मेरे स्टाइल में आलू गोभी की सब्जी बनानी है तो देखें मेरी पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद आबिदा इदरीसी। आज देखिए मैं बनाने जा रही हूँ गोभी और आलू की सब्जी, जिसके लिए मैंने गोभी लिया हुआ है। इसे फ्लावर भी बोलते हैं और फूल गोभी भी बोलते हैं। और इसके साथ मैंने लिया हुआ है दो आलू, जिसको मैंने इसे मोटे मोटे टुकड़े में काट लिया हुआ है। और मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हुए हैं, जिसमें तेज़पत्ता है, छोटी इलायची है दो, बड़ी इलायची एक, लौंग है चार और दालचीनी का टुकड़ा है एक। और मैंने ग्रेवी बनाने के लिए एक खड़ी प्याज ली हुई है, दो टमाटर है और लहसुन है और कुछ अदरक के टुकड़े हैं और कुछ मसाले हैं, जिसमें धनिया पाउडर है 2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, जीरा पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला 2 टीस्पून, हल्दी है 1/2 टीस्पून और मैंने हरी मिर्च ली है 4। आप अपने तीखे के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने 2 टीस्पून दही ली है और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। गार्निशिंग के लिए मैंने लिया हुआ है धनिया पत्ती और मैंने ऑयल लिया हुआ है और पानी। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पानी उबाल हो रहा है, इसमें हम डाल देंगे गोभी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। देखिए 2 मिनट हो चुका, अब हम इसी में डाल देंगे आलू। ताकि गोभी और आलू अच्छी तरह गल जाए तो 5 मिनट तक के लिए इसी तरह छोड़ देते हैं। अब चलिए इसको देख लेते हैं। अभी देखिए हो चुका है, हमें इतना ही चाहिए। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करके इसको छान लेते हैं। अब वापस से गैस ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल। अब इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अब देखिए ऑयल गर्म हो चुका, अब हम इसमें डालेंगे अनियन। इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। आप इसको हल्का हल्का सा भून लें, गोल्डन थोड़ा सा हो जाए, फिर उसके बाद हम इसमें टोमेटो ऐड करेंगे। और इसी में हम जिंजर डाल देंगे और गार्लिक, इसको भी हम हल्का सा सौते कर लेते हैं। इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि अच्छी तरह कुक हो जाए। गैस की फ्लेम को आप स्लो पे रखें। अब देखिए 2 मिनट हो चुका, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब वापस से हम गैस ऑन करेंगे
और इसमें ऑयल डालेंगे 3 टीस्पून। अब इसको भी हम गर्म होने लेने देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे गोभी, इसको हम हल्का सा गोल्डन कर लेते हैं। इसी के साथ हम आलूओं को भी डाल देंगे। देखिए अब ये गोल्डन हो चुका। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। और मैंने वही वाला तेल लिया हुआ है जिसमें मैंने गोभी फ्राई की थी, और इसमें अभी तेल थोड़ा कम लग रहा है तो हम 2 टीस्पून और डालेंगे। अब देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, ये पूरा तेल मिला के 4 टीस्पून तेल हुआ है। अब हम इसमें डाल देंगे खड़े मसाले। इसमें हम डाल देंगे प्याज का पेस्ट, अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, अब हम 2 मिनट तक के लिए ढक देंगे इसको स्लो फ्लेम पे ताकि प्याज और टोमेटो अच्छी तरह भुन जाए। अब देखिए 2 मिनट हो चुका, अब हम इसमें जितने भी मसाले का पाउडर था सब डाल देंगे और हम इसको अब चला लेते हैं अच्छी तरह। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारे पाउडर आपस में मिक्स हो जाए। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पून के करीब। 2 मिनट तक ढक के इसको रख देंगे स्लो फ्लेम पे ताकि मसाले अच्छी तरह भुन जाएं। अब देखिए 2 मिनट हो चुका और पूरा ऑयल ऊपर आ गया। देखिए मसाले भी अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे दही, अब हम इसको 1 मिनट तक ढक के इसको पका लेते हैं स्लो फ्लेम पे। देखिए 1 मिनट हो चुका। अब आपको जितना भी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी ऐड करें। मैंने इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड किया है। अगर आपको इससे ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब एक बार पानी उबाल हो जाएगा तब हम इसमें सब्जियाँ डालेंगे। अभी के लिए हम इसको ढक के रख देते हैं।
अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्जियाँ। और इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। आप नमक अपने हिसाब से डालें क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला हुआ है। हम इसको ढक के रखेंगे 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे। देखिए 5 मिनट हो चुका और मैंने बीच बीच में इसे 1 से 2 बार चला लिया था। अब देखिए हमारी आलू गोभी की सब्जी बनके तैयार हो गई। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और लीड हम लगा देंगे। फिर उसके बाद हम इसे डिश आउट करते हैं। अब देखिए मेरी आलू गोभी की सब्जी बनके तैयार है। अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जो कुछ भी आपको पूछना हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। बाय।